चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में जो पहला मैच भारत से हारने के बाद जो कम बैक किया और जो फाइनल जीता, बिल्कुल बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की ऐसी है कि दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, ऐसा लग नहीं रहा, वो स्प्रिट नजर नहीं आ रही कि जो वुमन होती है। और जो स्टार परफॉर्मर्स है, खासतौर पर अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 3 विकेटें ली और पाकिस्तान की फतह में कलीदी किरदार अदा किया, वो बिल्कुल बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ, आज उन्हें टीम में शामिल किया गया और 4 ओवर्स में वो अब तक 30 रन दे चुके हैं और उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मोहम्मद आमिर, जिन पर पाकिस्तान बहुत रिलाय कर रहा था कि वो जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि लगता ये है कि खुद एतमादी कुछ जरूरत से ज्यादा हुई है। और जिस तरह से हमने सीरीज खेली है असर साहब जिम्बाब्वे के खिलाफ, वेस्ट इंडीज की कमजोर टीमों के खिलाफ, तो वो हमें एक डिसएडवांटेज हुआ है। जब कब मजबूत टीमें मैदान में हमारे मद्दे मुकाबल आई तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मिर्जा साहब, और फिर मैं रऊफ साहब की भी राय शामिल करना चाहूंगा, ये वो इंडिया फैक्टर है कि साइकोलॉजिकली कुछ हो गया? क्योंकि जिस तरह आपने कहा बाकी टीमों के साथ कारकर्दगी कुछ मुख्तलिफ थी, और क्या हम कुछ ज्यादा शोएब मलिक पे नहीं रिलाय कर रहे? आप रऊफ साहब से पूछ रहे हैं मुझसे? आपसे मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपसे सर, फिर रऊफ साहब पे आएंगे। अच्छा, आपने जो बात की ना, देखिए पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों का एक अपना ही अंदाज होता है, एक अपना हुस्न होता है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह 18 जून 2017 के बाद जब यहाँ मैच हुआ, पहला मैच 19 सितंबर को, तो एक्साइटमेंट अपने नुक्ते उरूज पर था, लेकिन 4 दिन के बाद अब जब मैच हो रहा है तो एक्साइटमेंट में कमी आई है और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जरूर होता है। और जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में एंट्रो दिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह के बयान, तुंद और तेज बयान दोनों जानब से सियासी तौर पर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी एक अजीब सा एटमोसफेयर क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से भी खिलाड़ी थोड़े से टेंशन में, प्रेशर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक रऊफ साहब, वही सवाल सर आपसे, एक तो इंडिया फैक्टर अपनी तरफ, लेकिन एक चीज पे सर जो मैं फोकस करना चाह रहा था, अब मीडिया भी एक स्टेक होल्डर नजर आ रहा है जो शायद माजी में नहीं नजर आता था। और जो आपके कुछ मंझे हुए स्पोर्ट्स के एनालिस्ट और तजियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि मीडिया को भी शायद माजी देखना चाहिए, बिल्डअप देखना चाहिए। आखिरकार एशिया कप भी एक मौका है ट्रेनिंग का, एक मौका है कि आप अपनी टीम की कारकर्दगी को फिनेस करें मुस्तकबिल के लिए। हर मैच को आप डू और डाई ना बनाएं, तो शायद हम भी या दो राय भी इसी चीज में मुलव्वस है कि इस बयानिए को बार बार सामने रखना और इतनी रिएक्शनरी बात करना, क्या लगता है आपको सर? असद, ये आपकी बात अपनी जगह रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन क्राइसिस इस वक्त ये है कि आप इंडिया को अगर एक मिनट के लिए भूल जाएं तो जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है हांगकांग के खिलाफ और उसके बाद जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी बिलो पर है, वो बिल्कुल इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं थी। मतलब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारते हारते जीता है और हांगकांग को भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने मतलब यू नो अनकन्विंसिंगली जीता है उनसे भी। तो इंडिया के साथ जैसा कि आपने अपने अपने इब्तदाइया में कहा है कि पहले मैच में तो बहुत बुरी तरह हारे थे और लग रहा है कि आज भी उससे भी शायद ज़्यादा, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज अ मिरेकल दैट हैपेंस, यू नो मिरेकल्स रियली डोंट हैपन, तो वही एक सिचुएशन लग रही है। ये 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में। जो कप्तानी है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैंने डिस्पेरिटेड और मंडेन कप्तानी मैंने कभी नहीं देखी है। देखिए, सरफराज डज नॉट हैव दैट इन हिम टू बी अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम, फ्रेंकली। और मैं बड़ी देर से ये कह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है, अगर आप पिच को रीड नहीं कर सकते, अगर आप एटमोस्फियर को रीड नहीं कर सकते, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को रीड नहीं कर सकते और सही फैसले नहीं कर सकते। मसलन मैं फील करता हूं कि आज के मैच के में इनको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनको वहां देना चाहिए था। दूसरी बात है, आप बार बार कहते हैं जी कि हमने जो लास्ट हमारी परफॉर्मेंस थी, हम ये भूल जाते हैं, जो बहुत अच्छी थी इंडिया के खिलाफ भी, ये बड़ी अच्छी थी और आमिर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो थी खासकर फाइनल में बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो पिचेस हैं वो डिफरेंट है। यहाँ इंग्लैंड की पिचेस दी थी वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हैं, इंग्लैंड की जो एटमोसफियर है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, वो स्विंग बॉलिंग को हेल्प करते हैं। यहाँ आपके पास फ्लैट पिचेस हैं, यहाँ आपको वो जो बॉलर्स आपके इंग्लैंड में कामयाब हुए थे वो लाजमी नहीं कि यहां भी कामयाब होंगे, और एग्जैक्टली आपको वही चीज नजर आ रही है। और हमारे पास बैकअप स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है जो कि अगर फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव ना हो तो उनकी जगह ले सके, हमारे पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद नहीं है। ये नहीं कि हमारे पास मुल्क में नहीं है, लेकिन हमने टीम में उनको शामिल नहीं किया। फार साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं,
मैं एक दो बातें इसमें और करना चाहूंगा, आप बेशक मुझे बाद में टाइम दे दीजिएगा, बट अभी आप वापस आते हैं। अब गफ्फार साहब, ये कुछ ये बार बार कहा जा रहा है और ये मैं ज़रूर सोचते हुए ये कह रहा हूँ कि हम आखिरकार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, एनालिसिस ही कर रहे हैं, हम स्टेडियम में उधर फील्ड में मौजूद नहीं है, मैदान में मौजूद नहीं है, इधर फिर भी ये तमाम बातें की जा सकती हैं। लेकिन ये जो एक ट्रेंड है कि जी बहुत ज़्यादा पेसर्स पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, स्पिनर्स ज़्यादा होने चाहिए थे, ये बहुत बार कहा गया है, तो उस पर सर आपकी क्या राय है? और साथ में जो अब सरफराज की कप्तानी पे एक सवालिया निशान उठ रहा है, उस पर भी सर अगर आप अपनी राय से हमें आगाह करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अगर आप गफ्फार साहब, आपसे सर ये सवाल कर रहा था। जी जी, असद मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम का अगर आप बिल्डअप देखें इस टूर्नामेंट के लिए, शायद आवाज़ नहीं जा रही। जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, सर अगर आपने वही सवाल सुना सर, तो सेम क्वेश्चन टू यू सर, कि सरफराज की जो कप्तानी है उस पे जो ये एक रेफरेंडम बन गया, उस पे सवालिया निशान उठ गया है, उस पे क्या राय रखते हैं आप सर? देखिए सरफराज चूंकि ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा गुज़िश्ता कई मैचेस से, आज उसने 40 odd रन स्कोर किए, तो वो अंडर प्रेशर तो बहुत है। और अब एक और नया शोशा छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि शायद शोएब मलिक को जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नायब कप्तान बनाया जाए। तो क्रिकेट के हलकों में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप, क्योंकि शोएब मलिक कह रहे हैं कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो वो 2019 के वर्ल्ड कप के लिए शायद शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जाए, क्योंकि सरफराज एज अ बैट्समैन उस तरह की कारकर्दगी नहीं पेश कर पा रहे, और उनका जो थोड़ा बहुत गुस्सा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ जाहिर होती है विकेटों के पीछे, खिलाड़ियों को डांटना, काम एंड कूल कप्तान होना चाहिए। अब ये चीजें उभर कर सामने आ रही है, गालिबन उसकी वजह शिकस्त का दबाव है, उस प्रेशर की वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये टीम गश्त कर रही है। दूसरे आपने टीम के कॉम्बिनेशन की बात की, इंजमामुल हक कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, 120 टेस्ट मैचेस, 300 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, बहुत तजुर्बाकार आदमी है। उनको ये इस बात का इल्म नहीं कि गर्मी का मौसम है, सितंबर में यहाँ बहुत गर्मी होती है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और इस गर्मी में जो पिचेज हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी साजगार साबित नहीं होती, दूसरे फास्ट बॉलर्स ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम में सिर्फ 2 रेगुलर स्पिनर्स शामिल किए, मोहम्मद हफीज को क्यों नहीं रखा गया जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। अगर आप एशिया कप में शरीक दीगर टीमों को देखें तो उन सब के पास स्पिन डिपार्टमेंट के शोबे में खासे स्पिनर्स, खासा चॉइस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये गलती थी सिलेक्शन कमेटी की, और जब वो बैठेंगे इस टूर्नामेंट के बाद तो डेफिनेटली वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे। यही सवाल ये गफ्फार साहब से कर लूँ, गफ्फार साहब वही जो सवाल अभी मिर्जा इकबाल बेग साहब से किया था वो यही था कि एक तो सरफराज की कप्तानी पे जो सवालिया निशान उठ रहा है, और साथ में सर क्या आपके मुताबिक ये वाजे हो रहा है कि टीम एकदम से डिस्पेरिट हो गई है? देखिए असद, जो बात की मिर्जा इकबाल भाई ने, बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि जो सिलेक्शन है इस टूर्नामेंट के लिए वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर में से एक यासिर शाह, ठीक है वो हमारे रेगुलर टीम का मुसलसल हिस्सा नहीं रहे, लेकिन कंडीशंस की अगर बात की जाए, इस वक्त जो यूए की कंडीशंस हैं, जिस तरह के विकेट्स हैं, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का अटैक, खुद सरफराज ने कहा और दीगर कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नजीब और जो राशिद खान के होते हुए दुनिया का बेहतरीन स्पिन अटैक बना हुआ है। असल बात यह है कि ये स्पिन अटैक इस वक्त जिन कंडीशंस में खेल रहा है वो ऑपरेट बहुत अच्छा कर रहा है। हफीज़ और यासिर शाह के पास ऐसे स्पिन ऑप्शन मौजूद थे जो ना सिर्फ गेंद को एयर देते हैं, ना सिर्फ वो बैट्समैनों के लिए अपनी लाइन लेंथ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बल्कि विकेट टेकर्स हैं। नवाज़ की अगर परफॉर्मेंस देखें तो नवाज़ तो पाकिस्तान टीम के वनडे स्क्वाड का रेगुलर हिस्सा ही नहीं रहे। इसके अलावा शादाब खान जो हैं वो अभी नए हैं, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि PSL के जितने टॉप परफॉर्मर थे उनको पाकिस्तान टीम तक रसाई ज़रूर मिली, लेकिन T20 की बेस पर खेलने वाले जो ODI टीम के हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं, इसी वजह से कि टेम्परामेंट नहीं है। अगर आप आसिफ अली का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का शॉट देखें, आज जब उन्होंने 20 पे 30 रन बना के जिस अंदाज से आउट हुए, लग ये रहा है कि टेम्परामेंट की कमी है। इसके अलावा अपने आपको रेस के अंदर अपने जो घोड़े होते हैं वो सही चूज़ करने होते हैं कि किस वक्त जो है वो आपको किस तरह की जो है वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी और किस तरह आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इन विकटों पर जहाँ पर आपका सारा का सारा फोकस
आपके स्पिनर्स होने चाहिए थे, मोहम्मद हफीज आपके पास दुनिया के उन स्पिनर्स में से हैं असद, आपको पता उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर भी कि जो हमेशा ना सिर्फ इनिंग को ओपन करते हैं एज अ बॉलर बल्कि रन्स रोककर आपको विकेट भी लेकर देते हैं। आज भी शेखर धवन, रोहित शर्मा जिस तरह के बैट्समैन हैं, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हसन अली की गेंदों पर अगर आप उनको देखें तो वो ऑलमोस्ट वॉक इन टू द विकेट। खासतौर पर आप अगर धवन की बैटिंग देखें तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को आगे निकलकर डोमिनेट किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इन विकेटों पर फास्ट बॉलर खेलने के लिए कितने कंफर्टेबल हैं। तो ऐसे मौके पर आपको रीड करना होता है ओपोनेंट को, उनकी वीकनेसेस देखनी होती हैं, और यहाँ पर या जो मोहम्मद हफीज थे, यासिर शाह थे, ये वो ऐसे बॉलर थे जो ना सिर्फ इन विकेटों पर आपको रन रोक कर देखते बल्कि इसके अलावा आउट भी करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम का कम्बिनेशन ही नहीं बन सका अब तक भी। आज के मैच में भी मोहम्मद आमिर को आप पिछले मैच में ड्रॉप करके असद वापस लेकर आए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप या तो अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को ड्रॉप करें या फिर इसको ड्रॉप करने के बाद दोबारा लेकर आ जाए, मतलब आप क्या साबित कर रहे हैं, या क्या प्लानिंग है? ठीक गफ्फार साहब, इसी पॉइंट पे फिर वक्फा लेंगे। मिर्ज़ा दो राय, जहां हालात हाजरा से हट के शादाब 11 की कारकर्दगी पे बात हो रही थी। रऊफ हसन साहब, आपने जो शुरू में बात की थी सर, उसके बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी इतफाक़ किया, अब्दुल गफ्फार साहब ने भी इतफाक़ किया कि जो स्पिन और पेस में जो आपको इसमें मिसमैच नज़र आ रहा है वो ही शायद हमारी कमज़ोर कारकर्दगी के पीछे राज हो। लेकिन मैं सर जो आपसे सवाल करना चाह रहा था वो इंडिया के मैच से हट के जो एक अफगानिस्तान का उभर के सामने आते हुए एक डायनामिक नज़र आ रहा है, क्या आपको ये एक नई और दिलचस्प राइवलरी देखने को मिल रही है? आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले दो बातें जो छोटी सी रह गई थी मैं उनको भी एक कर दूं। देखिए, अगर आपकी आजकल के 50 ओवर मैच में वनडे में अगर आपकी टीम पहले बैटिंग करती है तो अनलेस ऑफ कोर्स कि आप 300 प्लस रन्स पोस्ट करते हैं वो मैच जीतने के चांसेस जो हैं वो आपके सर्टेन नहीं हो सकते। पाकिस्तान अपने किसी भी मैच में फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ 300 रन्स पोस्ट नहीं कर सका एक्सेप्ट द फाइनल अगेंस्ट इंडिया जो कि हमने इंग्लैंड में खेला था। ये एक पाकिस्तान की बैटिंग का एक बहुत मेजर इशू जो है इस वक्त वो बना हुआ है। और उससे भी ज़्यादा आगे अगर आप भी देखा जाए जो आज की भी जितनी अभी मैच हुआ है तो हम ऑलरेडी एक सिटर और एक डिफिकल्ट कैच ड्रॉप कर चुके हुए हैं। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये हमारी यंग टीम है, बहुत जवान बच्चे हैं, उसके बावजूद जो फील्डिंग क्वालिटी है वो आज भी इमामुल हक ने सिटर ड्रॉप किया उसका शर्मा का, और उसके अलावा उससे पहले शादाब एक वेरी डिफिकल्ट कैच, लेकिन मैच जीते जाते हैं डिफिकल्ट कैचेस जो पकड़ने में। सो ये चार एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर जब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस बड़े मफकूद हैं। अफगानिस्तान स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, आई थिंक यू नो जितने थोड़े अरसे में अफगानिस्तान की टीम इमर्ज होकर के सामने आई है और इस वक्त वो तमाम लीडिंग टीम्स के लिए एक कॉम्पिटिशन बन गई है। पाकिस्तान को उन्होंने मतलब नाको चने चबवा दिए जो खेल रहे थे, उससे पहले इंडिया के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उन्होंने बांग्लादेश को हराया है, उन्होंने श्रीलंका को हराया है। तो एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम जो है एक फिनोमिनल एडिशन है इस वक्त क्रिकेट टीमों में, और मेरा ख्याल है कि ये गेम ऑफ क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हुई है, और ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ इन द सेंस कि जी एक उनका एक चूंकि एक ऐसा मुल्क जो कि 40 साल से यू नो वो बैटर्ड है, वहाँ लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव जो है आउटलेट है। और जिस तरीके से पूरी अफगान कौम जो है वो इस टीम को बैक करती है और इनकी जितनी आपने देखी है कि जितनी इंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस होती है इनकी ग्राउंड के ऊपर, आई थिंक दीज आर वंडरफुल थिंग्स टू लुक एट और वन कैन ओनली विश देम वेल, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज टू द लीडिंग टीम्स ऑफ एशिया एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू नो इन ऑल द फोरथकमिंग कॉम्पिटिशन्स। मोरल हमारा थोड़ा सा डाउन है, अब मुकाबला भी बांग्लादेश के साथ होने को जा रहा है, क्या आपको इम्कानात नज़र आ रहे हैं आने वाले मैचेस में? एंड सेम क्वेश्चन सर, ये जो एक अफगानिस्तान फैक्टर है इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए असद, बड़ा ही अच्छी स्टोरी है ना सिर्फ स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन एक नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता है कि वहाँ के हालात हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट आज तक हुई नहीं है, ऐसी कौम को जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, यहीं नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनके क्रिकेटर्स आके खेलते रहे, यहीं 90s 2000 में ये पले बढ़े यहाँ पर, और बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको याद होकर कराची में हमने कवर किए असद मैचेस जब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम एक टूर्नामेंट कराया करते थे अपने ग्राउंड पर रमज़ान के अंदर, तो पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम जो है वो नाइट टूर्नामेंट खेलने आती थी रमज़ान के, जो हमारे लोकल बच्चों के साथ खेलते थे वो, ये सारे क्रिकेटर्स जो अब असगर अफगान और राशिद खान और जितने भी अब बड़े स्टार बने,
तो पता ही चला कि उनकी ग्रूमिंग सारी पाकिस्तान में हुई, ऑब्वियसली बाद में इंडिया फैक्टर भी, आपको पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं वहाँ को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अफगानिस्तान और इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ खेला, ये वो चीज़ें जिसकी वजह से वो लर्निंग कर गए। और ऑब्वियसली जो T20 और जो वनडे की हद तक उनकी जो सक्सेस है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि दुनिया भर की लीग्स हो रही हैं वहाँ पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स में, दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, एक तो सुपर फिट हैं असद ये लोग, इसके अलावा ऑलराउंड एबिलिटी बहुत है इनका, कोई भी बॉलर या कोई भी जो बैट्समैन है वो हार्ड हिटर है, वो छक्का लगा सकता है, चौके लगा सकता है, और यही T20 क्रिकेट की इस पर डिमांड है। और जो बात की आपने पाकिस्तान के हवाले से, असद मेरे ख्याल में आज की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ऐसी टीम है जो किसी भी टूर्नामेंट में असद अच्छा आगाज़ नहीं करती। हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी पहला मैच भारत से हारे थे, उसके बाद फिर हमने बिल्डअप किया, लेकिन यहाँ तो असद ये चौथा मैच है जिसके अंदर अब हमें अब तक तक संभल जाना चाहिए था, हमारा टीम कम्बिनेशन बन जाना चाहिए था। आई थिंक ये बड़ा वरिंग साइन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश को हराकर बहरहाल फाइनल में किसी तरह पहुंच जाएगी और हमें फिर एक और चांस मिलेगा, लेकिन क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा है? क्या हम डिज़र्व करते हैं कि हम मॉरली या एक अपना जो हमारा जो इस पर ट्रैक रिकॉर्ड बनाए आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छी खासी हमारी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लगता है कि हमें बड़ा इसको जो है वो डिजर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी मौका है क्या बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतकर, ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है असद जो हमें सूट करता है, हम हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट की टीम है, 92 का वर्ल्ड कप भी हमने इसी वजह से जीता था कि जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है हमारी टीम उतना लंबा चांस लेती है।